ये रिश्तों की कहानी है। रिश्ते जड़े चुप की मार नाल मर जाते हैं, रिश्ते जड़े गलत फहमी की मार नाल मर जाते हैं, रिश्ते जड़े इंसान नू इंसान बना के रखते हैं। क्योंकि अजकल बंदा काम च इन्ना बिजी है, तुसीं भी बहुत बिजी हो, आपां सारे कितना कितने जड़ा अपनी जिंदगी दे विच ना एक रूटीन च बज गए। ये जी फिल्म जदों शुरू लिखनी की सी, टेंटेटिव टाइटल सीगा जी, ये मैं कदे नहीं सोचा कि ये फिल्म का फाइनल नाम यही रखा जाएगा। मेरे मन च एक फिल्म का नाम सीगा, वो सीगा जी फेर दोबारा। लोग आना कहने के लिखी भी आप, काम भी आप ही किया, डायरैक्ट भी आप की है, लिखी तो डायरैक्ट की है। किरदार जड़ा है बहुत छोटा किरदार है मेरा फिल्म च, और वो इस करके किया कि मैनू बाकी कलाकारों की डेटा नहीं सी मिल रही। इस ठंड के ध्यान रखना डर भी लगता सी, किसी को ठंड ना लग जाए। दस्तानिया के असी जैल पा के रखते सी, साडा एक साथी जड़ा है वो इस दुनिया तो मेकअप आर्टिस्ट गजेंद्र भाजी सानू छड्ड के चले गए, ठंड इन्नी सी शायद। सो पूरी फिल्म औखी सी। वेलकम एंड सत श्री अकाल चैनल पंजाब प्लस टीवी, तुसी देख रहे हो। सो फाइनली अपने घर बेगाने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर बलराज सियाल इस वेले अपने नाल है, खास गलबात करांगे। सो सब तो पहला तो सत श्री अकाल सर, और बहुत बहुत मुबारकबाद, तुहानू बहुत ही सोहणे जो कॉन्सेप्ट ते फिल्म लैके आए। बहुत बहुत धन्यवाद है जी तुहाडा। ये थोड़ी जी जे मैं इस इंटरव्यू थोड़े फंबल मारा, मैं माफ कर दूँ, मेरा पूरा टब्बर उधर खड़ा मेरे वाल झाकी जाता, वे छोटे सारे ही, तो जे मैं थोड़ा जहा भी लड़खड़ा जावा मैं क्षमा कर दियो, क्योंकि अपने सामने गल करनी, अपने सामने काम करना सब तो औखा होंगे। सो अगर फिल्म की अगर आप गल करिए, ट्रेलर मैं अपना रिव्यू देव तो बहुत ही सोहना हैगा, है ना, रिश्तिया जोड़न वाली फिल्म है। अगर जिन्होंने ट्रेलर हजे नहीं देखा उन्होंने फिल्म के बारे दसना हो कहना चाहोगे कि किस तरीके की यह फिल्म है? पहला तो मैं थोड़े रिपोर्टर साहब कैमरामैन कहूँगा जो इन्होंने बोलिया जी ये जरूर चलाया जे, कि इन्हों ट्रेलर बहुत चंगा लग्या। बस यही कहना चाहूँगा कि ट्रेलर देखो, क्योंकि हर बंदे नूं अपनी चीज़ चंगी लगती। कदे भी किसी हलवाई ने कदे ये नहीं कहा कि मेरी आह वाली मिठाई माड़ी बनी है, सानू भी उदा ही साड़ी फिल्म उन्नी ही चहेती है जिनी बाकियों नूं अपनी फिल्मां हुंदियां। और असली जिहड़े जज तुसीं हो, तुसीं ट्रेलर देखो, सानू यह उम्मीद है, सानू यह भरोसा कि थोनू ट्रेलर चंगा लगेगा, और जे चंगा लगे फिर हत्थ बन के बेनती है कि सिनेमाघरां च जरूर जाया जे, क्योंकि ये इंडिया कैनेडा या NRI की कहानी नहीं हैगी, रिश्तों की कहानी है। रिश्ते जड़े चुप की मार नाल मर जाते हैं, रिश्ते जड़े गलत फहमी की मार नाल मर जाते हैं, रिश्ते जड़े इंसान नू इंसान बना के रखते हैं। क्योंकि अजकल बंदा काम च इन्ना बिजी है, तुसीं भी बहुत बिजी हो, आपां सारे कितना कितने जड़ा अपनी जिंदगी दे विच ना एक रूटीन च बज गए हैं। इन्ने बजे उठना, इन्ने बजे इत्थे पहुँचना, इन्ने बजे आ करना, असीं ना शड्यूल बनाने लग पए हैं। उस शड्यूल दे विच ना जो साडे को फ्री टाइम होंदा उदों असीं टीवी देखते हैं, उदों असीं खाने हैं पीने हैं, कदी साडे फ्री टाइम दे विच इह नहीं होंदा कि मैं बापू नाल बहना, कि मैं माता नाल बहना, कि मैं अपने भैण भरावां दे जवाकां नाल खेडना। इह शड्यूल चों मिस हो गया, असीं की अपनी जिंदगी दे विचों मिस करदे पए हां। शायद तुहानूं इह फिल्म देख के अहसास होएगा कि दुनिया दे विच सब तो जिहड़ा कीमती एसेट है ना वह इंसान है। अक्सर लोग गल्लां करदे आ कि गोल्ड बड़ा वड्डा एसेट है, मूवेबल एसेट की आप जो तो गल करते हैं ना कि कहते सोना जड़ा जमीन तो भी वड्डा, क्योंकि मूवेबल है कितने भी लैके जा सकते हो। मैं कहना सब तो वड्डा एसेट जो इंसान है, रिश्ते है, तुसीं बाकी चीज़ा नाल लैके तुरनियाँ, इंसान थोड़े को आप चल के आता है जो थोड़े ना मोह बनया हो। सो ये फिल्म जी है उन्होंने रिश्तों की कहानी है, देखो थोनू चंकी लगेगी, जो माड़ी लगी तुम कमेंटा के नहीं रिलियाई देनी सारिया ने, पर मैनू यह है कि चंकी लगेगी, मैनू इस गल का पूरा भरोसा है। सो फिल्म के टाइटल के बारे अगर आप गल करिए ना तो बहुत ही खूबसूरत जहा टाइटल है, अपने घर बेगाने, अपने आप के बहुत कुछ कह जाता है ना। सो ये टाइटल किसके वालों चूज किया गया, किस तरीके नाल फिल्म का नाम रखा गया? ये जी फिल्म जदों शुरू लिखनी की सी, टेंटेटिव टाइटल सीगा जी, ये मैं कदे नहीं सोचा कि यह फिल्म का फाइनल नाम यही रखा जाएगा। मेरे मन च एक फिल्म का नाम सीगा, वो सीगा जी फेर दोबारा। वो एक गाना भी वह बनया पाया, विंदर भाजी ने लिखा, फिल्म च माशाली ने गाया, बहुत सोहना गाना फिल्म च हैगा। पर जिहड़े साडे प्रोड्यूसर सीगे, साडे इनर सर्कल दे लोग सी, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत सोहनी चीज़ है, अपने घर बगाने, ये भावें गलती नाल रखिया गया पर यह सोहना है, इहनू बदलियो ना। तो ये टाइटल का जिहड़ा जे मैं कहां कि सारा जिन्ना भी क्रैडिट आ वो मेरे प्रोड्यूसर्स नू, मेरे इनर सर्कल के एक दो दोस्तों नू जांदा कि उन्होंने जिद की कि टाइटल यही रखिया जे, क्योंकि 80% लोग जिहड़े ने ना अपने घर च ने, पर वो अपने घर च नहीं है। तुसीं भी शायद मोहाली तो नहीं होंगे, तुसी मोहाली रह रहे हो,
मैं बॉम्बे रह रहा, शायद मैं बॉम्बे तो नहीं, भावें असं पंजा पंजा साल रह लीए पर साड़ी जिंदगी जिहड़ी ना जिथे आप जम्मे हैं ना वो एक कॉर्डलैस बने हुए हैं, वो दूर जाते 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 रेंज घटती है साड़ी, जदों असं आने ना उस चार्जर के उपर लगते हैं बड़ा सुकून मिलता, कहने लोग कि यार मैं अपना बैड बड़ा मिस करना इतने आके वधिया नींद आती, इदां ही लोग अपने पुराने घर मिस करते हैं जाते हैं। सो ये हर बंदे की कहानी है, अपने घर बह के भी बगाने ने। इस फिल्म की अगर आप गल करिए, कहानी भी लिखी है, तुसी फिल्म डायरैक्ट भी की है, तो किरदार भी आप ट्रेलर दे विच देखे कि तुसी खुद भी फिल्म दे विच दिखोगे, ये सारिया चीज़ा हैंडल करना कि ना कि होंगे डिफिकल्ट। चलो राइटिंग तो आप पहला कर लेंगे, डायरैक्ट खुद करना फिर एक्ट खुद करना। देखो जी फिल्म च काम करन दा मेरा कोई इरादा नहीं सीगा, ये फिल्म का किरदार मैं राजीव ठाकुर जी नूं सोच के लिखिया सी, मैं उन्होंने तो कराना चाहुंदा सी पर उन्होंने डेटा जिहड़ियां वो बहुत उपर थले हो गई, असी फिल्म जी है वो असी गर्मियों शूट करना चाहते सी, साढ़े वीजे लेट हो गए, फिल्म सर्दियाँ चल गई, -35 -20 इदा के टेंपरेचर चल गई, डेटा नहीं सी मिल पा रही। किरदार बहुत अहम सगा, छोटा किरदार है बट बहुत अहम सगा, तो समझ नहीं आया कि तो कराया जाए, फिर ए लगा कि जे नहीं किसी वाल भरोसा बन रहा तो घट्टो घट पता तो है ना कि चाहिए की है, सो फिर इस करके वो आप किरदार किया। सो लोग आना कहने के लिखी भी आप, काम भी आप ही किया, डायरैक्ट भी आप की है, लिखी तो डायरैक्ट की है, किरदार जोड़ा है बहुत छोटा किरदार है मेरा फिल्म च, और वो इस करके किया कि मैं बाकी कलाकार डेटा नहीं सी मिल रही, पर लोग कहते वधिया निकल के आ गया। सो आखिरी सवाल है कि फिल्म डायरैक्ट किए तो कोई सीन इदा का जो शूट करना बहुत डिफिकल्ट रहा हो? पूरी फिल्म ही जे मैं कह तो बड़ी औखी सी, क्योंकि टीम बहुत लिमिटेड सी, साडे वीजे बहुत घट लोगों नूं मिले सीगे, बाकी देखो जी -35 -40 जिहड़ा टैंपरेचर है ना साडे फ्रिजा दे आइस बॉक्स दा टैंपरेचर हुंदा, असी उन्हां हालातों नूं हंडाया नहीं होया अपनी जिंदगी च, सो उन्हां हालातों च शूट करना, योग भाजी 70 साल तो प्लस उम्र है, राणा भाजी इस ठंड दे विच ध्यान रखना, डर भी लगता सी किसी नूं ठंड ना लग जाए, दस्तानिया दे विच असी जैल पा के रखते सीगे, साडा एक साथी जड़ा वो इस दुनिया तो मेकअप आर्टिस्ट गजेंद्र भाजी सानू छड़ के चले गए, ठंड इन्नी सी शायद, सो पूरी फिल्म औखी सी पर जदों हुण मगर देखते हैं कि किदां दा सफ़र रहा, बन के की निकलिया, फिर ऐं लगता कि जो परमात्मा ने कराया सी अकाल पुरख ने शायद वधिया ही कराया सी। सो जांदे जांदे अपने दर्शकां नूं की कहना चाहोगे चैनल? बस मैं तो बेनती करना चाहना जी कि ट्रेलर जरूर देखा जे, यूट्यूब पर समझ आवे उत्थे देख लिया जे, इंस्टाग्राम पर देख लिया जे, फेसबुक पर देख लिया जे, जे चंगा लगे तो जरूर फिल्म देखन जाया जे, क्योंकि इस चीज़ का वादा है कि तुसी फिल्म देख के जो बाहर आओगे तुसी चेते करोगे कोई चंगी चीज़ देख के आए। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात दे लई और बेस्ट विशेस तुहाडी फिल्म दे लई, थैंक यू सो मच।